हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉट्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ एक अनरिटन प्रैक्टिस है जिसमें जजेस के ओपिनियंस को लॉ माना जाता है टॉट के प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉमन लॉ से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने उनको अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया है स्क्रीन पे दिए गए प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे डैम साइन इंजोरिया डैमनम का मतलब होता है डैमेज साइन का मतलब होता है विदाउट एंड इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी जब कोई नुकसान होता है बिना किसी लीगल राइट के वायलेशन से क्योंकि पैसे या उसकी कीमत खो जाना टॉट नहीं कहलाता एक टॉट को होने के लिए लीगल राइट्स का वॉयेशन जो डैमेज करता है वो होना जरूरी है इस प्रिंसिपल में लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है एक एग्जाम्पल से समझते हैं ए की कई सालों से एक सड़क पर स्टेशनरी की दुकान है अगर बी उसी एरिया में एक बड़ा स्टेशनरी का दुकान खोल देता है तो क्या ए बी को स्यू कर सकता है नहीं ए अपने कॉम्पिटिटर को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल इंजरी कॉज नहीं हुई है एक केस लॉ देखते हैं ग्लासस्टर ग्रामर स्कूल केस फोर्टीन इसमें डिफेंडेंट ने जो एक स्कूल मास्टर था उसने एक स्कूल सेटअप किया ठीक प्लेंटिव के स्कूल के बाजू में और प्लेंटिव के स्कूल के बच्चे डिफेंडेंट के स्कूल में मूव हो गए यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लेंटिव ने लॉस तो सफ़र किया है लेकिन कोई लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ डिफेंडेंट फ्री है कहीं भी अपना स्कूल सेटअप करने के लिए एंड यहाँ कोई इलीगल एक्ट नहीं हुआ है इंजूरिया साइने डामनो ये प्रिंसिपल डामनम साइनी इंजूरिया कॉन्ट्रास्ट है इंजूरिया का मतलब है इंजरी साइन का मतलब होता है विदाउट एंड डैमनो का मतलब होता है डैमेज इंजरी विदाउट डैमेज इस प्रिंसिपल का मतलब है वॉयलेशन ऑफ राइट बिना किसी लॉसेस के इसमें राइट्स का वॉयलेशन होता है इसलिए यहाँ लाइबिलिटी अराइज हो जाते हैं भले ही लॉस हो या ना हो फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपासिंग एक पर्सन के राइट right का सीरियस वॉयलेशन है ट्रेसपासिंग का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी और के प्रॉपर्टी पर बिना उसके इजाजत के चले जाता है ऐसे केसेस में ट्रेस को कंपनसेशन देना पड़ेगा भले ही कोई डैमेज ना हुआ हो एक केस लॉ देखते हैं एशबे वर्सेस वाइट 1703। इस केस में डिफेंडेंट एक रिटर्निंग ऑफिसर था एंड उसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में प्लेंटिव को जो एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था उसको वोट करने से मना कर दिया लेकिन जिस कैंडिडेट को प्लेंटिव वोट करना चाहता था वही इलेक्शन जीत गया एंड प्लेंटिव को कोई लॉसेस सफर नहीं हुए बट स्टिल डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड किया गया क्योंकि भले ही कोई डैमेजेस कॉज नहीं हुआ बट लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ था वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉट लाइबिलिटी का जनरल रूल है कि जो पर्सन डैमेजेस कॉज करता है उसको कंपनसेशन देना होगा लेकिन कुछ केसेस में थर्ड पार्टी पर लाइबिलिटी अराइज हो सकती है इसको वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी में डिफेंडेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच एक लीगल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है लॉ को थर्ड पार्टी पर लाइबिलिटी एक्सटेंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एक दूसरे का एजेंट्स माना जाता है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के डिफॉल्ट के लिए लाइबल होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी एक कोर्स ऑफ लाइबिलिटी में भी आरइज हो सकता है जिसमें एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है वॉलेंट नॉन फिट इंजोरिया कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पर्सन जो डैमेजेस सफर कर रहा है वो खुद उसका कंसेंट देता है ये कंसेंट एक एक्ट के कॉन्सिक्वेंस के नॉलेज के फॉर्म में भी हो सकता है अगर एक व्यक्ति को उस एक्ट के रिस्क का नॉलेज है तो वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो मैच देखने गया है उसको सिर पर क्रिकेट बॉल लगने के चलते चोट लग जाती है तो वो बैट्समैन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि लॉ ये प्रज्यूम करता है कि उस पर्सन को इस रिस्क का नॉलेज था बट स्टिल वो मैच देखने गया लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये दो प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस वेंचर पर अप्लाई करते हैं जब वो कमर्शियल एक्टिविटीज के चलते पब्लिक को डैमेजेस कॉज करती है ये बेसिकली कहती है कि कुछ केसेस में लाइबिलिटी इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस के एबसेंस में भी कॉज हो सकती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये रूल कहती है कि अगर कोई बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज से किसी को हार्म होता है तो उसे कंपनसेट किया जाएगा सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद लाइबिलिटी अराइज होगा फॉर एग्ज़ाम्पल रायलेंस वर्सेज फ्लेचर में रायलैंड के मिल का पानी उसके नेबर फ्लेचर के माइंस में आकर उसको डैमेज कर देता है कोर्ट ने डिफेंडेंट को लाइबल डिक्लेयर किया भले ही उसके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी ना कि उस डिफेंडर की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अगर एक पर्सन पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज होती है तो उसको कुछ डिफेंसिस भी अलाउड होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डिफेंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि डैमेजेस नेचुरल कैलामिटीज के चलते हुआ है जो उसके कंट्रोल के बाहर है लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक पर्सन डिफेंस नहीं ले सकता एंड उसको हर हाल में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ये हजारस एक्टिविटीज के डैमेजेस के चलते होते हैं जैसे कि भोपाल गैस डिजास्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट डिफाइन विस मेजर और एक्ट ऑफ गॉड सेकेंड एक्सप्लेन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोलूट लाइबिलिटी थर्ड एक्सप्लेन डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम विथ रिलेवेंट केस लॉस फोर्थ वॉट डज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मीन फिफ्थ डिस्कस द वाइकेरियस लाइब्रेटी अराइजिंग आउट ऑफ मास्टर्स सर्वेंट रिलेशनशिप तो ये थे जनरल प्रिंसिपल्स इन टॉट प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली थैंक यू